हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम लेके आए हैं दो राइबरली। आप देख सकते हैं, एक है टीवीएस की रेडर 125 गौरव वाली गाड़ी और एक है हमारे पास बजाज की पल्सर NS125। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा राइबरली चलती आ रही है बहुत पहले से। अब आज हमेशा रेस करते हैं और आज आपको दिखाने वाले हैं, ये है E20 मॉडल पल्सर NS125। और आप इसका विजिबिलिटी देखिए, ये विजिबिलिटी में इसका ये है पहले लो बीम आप देख सकते हैं। लो बीम में यार इसका बजाज 35 वॉट का इसमें हेडलाइट देता है लैंप, लेकिन इसमें ज़्यादा अगर देता तो इसका जो ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस देखिए ज़्यादा नहीं है। हाँ, मिट्टी तक देखिए लो भी में ही जा रही है, लेकिन ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा इसका नहीं बता सकते हैं, जबकि ज़्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए था। ये देखिए साइड बाई साइड सारा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ा कम है। और यही इसका हम हाई बीम करेंगे तब देखिए, हाई बीम काफ़ी अच्छा है इसका। देखिए वो जो सामने पोल दिख रहा है आपको, पोल भी दिख रहा है अच्छे से। और यही अगर बात करें तो इसमें अगर ब्राइटनेस ज़्यादा दे दिया होता, मतलब 35 वॉट के जगह 60 वॉट अगर कर दिया होता तो इसका ब्राइटनेस भी ज़्यादा होता। हालांकि यार ये करने की ज़रूरत ही क्या है, आप 125cc के हिसाब से आप वो दे सकते थे इसमें LED लाइट, जबकि बाकी कंपनियाँ 125cc में देती हैं, आप नहीं देते हो तो आप ये कर सकते थे। तो चलिए अब TVS की रेडर को स्टार्ट करेंगे और TVS की रेडर में देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस देती है TVS की रेडर। तो ये रही रेडर का मीटर, आप ये देखिए मीटर इससे कितना प्यारा लग रहा है। और वही सदियों से चली आ रही है जो पल्सर NS125 उसका वही चल रहा है। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका विजिबिलिटी है। ये देखिए, ये है लो बीम। ये देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है इसका लो बीम। इसका यार लो बीम क्या, इसमें क्या है कि LED की वजह से ये रोशनी तो दे रही है, पर्याप्त रोशनी दे रही है, लेकिन थोड़ा सा डार्क और हो सकता, ब्राइटनेस बढ़ सकता था इसमें भी, लेकिन ये काफ़ी कम एरिया है। बगल में ही लग रहा है कि यहीं पे बस, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं वो मिट्टी तक भी नहीं जा रही है, तो ये थोड़ा सा यार कमी है। और इसको हम हाई बीम करेंगे तो देखिए हाई बीम बस वहीं तक, ये देखिए वो मिट्टी तक ही जा रही है। और NS में क्या था, वो पोल दिख रहा था, देखिए सामने पोल दिख रहा है ना, वो पोल NS में दिख रहा था लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा रेडर का कमी है। रेडर यार बहुत अच्छी बीक रही है गाड़ी, अच्छा सेल फिगर इसका चल रहा है और NS का भी सेल फिगर अच्छा चलता आया है। थोड़ा सा यार बजाज को और TVS को ये चीज़ सुधारना चाहिए कि अगर इसमें ब्राइटनेस और बढ़ा दे। और रेडर में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ का कमी है कि भाई आप हमेशा सब लोग कंप्लेन करता है कि इसका हेडलाइट थोड़ा सा डाउन है, इसको TVS देख सकता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोनों बाइक्स तो यार एकदम बेस्ट अपने अपने सेगमेंट में, दोनों बाइक भागने में भी बहुत तेज है, दोनों कंपटीशन हमेशा चला आ रहा है। TVS अपने जगह चलती है और बजाज अपने जगह चलती है, तो दोनों बाइक्स का राइवलरी चलता आ रहा है। तो ये हुआ कि एक बार सब्सक्राइबर्स मैसेज करते थे भाई लोग कि भाई इसका नाइट विजिबिलिटी टेस्ट करके जरूर दिखाइए, तो वीडियो आपके सामने आ गई है। और ये जरूर बताइएगा कि कौन सी बाइक का विजिबिलिटी टेस्ट रहा अच्छा, कौन सी बाइक लगा, तो ये कमेंट करके आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइड सेफ।